मनी प्लांट बिल्कुल सड़ जाता है, गल जाता है। उसकी रुकी हुई ग्रोथ को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए सिर्फ 15 दिनों में आपका मनी प्लांट इतना अच्छा हो जाएगा। देखिए नॉर्मल साइज का मनी प्लांट है, इसके पत्ते कितने बड़े हैं, ये गोलियां खा खा के ही इस तरह से बड़े हुए। सर देखा होगा आपके मनी प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो पीले हो जाते हैं, तो पीले पत्तों को हरा भरा कैसे करें? फ्रेंड्स ये जो मनी प्लांट के टिप्स मैं आपको बता रही हूँ ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। हेलो मेरे प्लांट्स लवर, स्वागत है आपका टिंकू की दुनिया में। फ्रेंड्स मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो हर किसी के घर में आसानी से मिल जाता है और देखने में काफी खूबसूरत लगता है और घर की जो सजावट होती है उसमें इसका काफी योगदान होता है और इसकी केयर भी काफी इजी होती है। जाड़ों के दिनों में इसको खास देखभाल की जरूरत होती है, अगर इसे जाड़ों में केयर ना करी जाए तो ये बहुत आसानी से खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप सर्दियों में भी अपने प्लांट को काफी हरा भरा बना सकते हैं। पहले आप मेरा मनी प्लांट देखिए कि कितना हेल्दी ये मनी प्लांट है, और देखिए मेरे सारे मनी प्लांट आपको इस तरह से हेल्दी दिखेंगे। जाड़ों में भी मेरा मनी प्लांट मरता नहीं है, कुछ बातों का मैं विशेष ध्यान रखती हूँ, वो बातें मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड मौसम बदलने के साथ साथ हर प्लांट का केयर का तरीका भी बदल जाता है, तो मेन जो होता है उसमें हम सबसे पहले पानी देते हैं, तो पानी देने का तरीका भी जो होता है वो गर्मियों में अलग होता है, बरसात में अलग होता है और सर्दियों में अलग होता है। अब गर्मियों के मौसम में इस प्लांट को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, उसी के कंपेयर में आप बरसात में देखेंगे मॉइस्चर रहता है तो कम की जरूरत होती है। लेकिन जाड़ों में जो मेन कारण है इसका सड़ने का वो पानी ही है। हम क्या करते हैं इसमें भर भर के पानी डाल देते हैं, बट पानी डालने का तरीका इसमें बिल्कुल अलग होता है। आप पानी बहुत कम मात्रा में डालिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि 15 से 20 दिन में ही मनी प्लांट में पानी की जरूरत होती है। आप देखेंगे गर्मी में हर तीसरे चौथे दिन हमने डालना होता है। दूसरा, अगर हमने इस तरह किसी बॉटल में मनी प्लांट लगाया है तो हम क्या करते हैं गर्मियों के मौसम में हमें हर 7 दिन में इसका पानी बदलना होता है, बट सर्दियों में हमने ये नहीं करना है, हमने 15 दिन में इसका पानी बदलना है। 15 दिन में सारे पोषक तत्व जड़ के माध्यम से पूरा ले लेगा, उसके बाद हमने इसका पानी चेंज करना है। बरसातों में तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि मच्छरों के होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन सर्दियों में हमें क्या लगता है अरे अब तो मच्छर होंगे नहीं, एक एक महीने तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ या तो रुक जाती है या ये सड़ जाता है। दूसरा, आप अगर उसे पॉट में लगाते हैं तो भी आप पानी चेक करके ही दीजिए, तो पानी की जरूरत जाड़ों में नहीं होती है, तो कम से कम ही इसको पानी दें। वैसे ये पानी पसंद करने वाला पौधा है, मॉइस्चर पसंद करने वाला पौधा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको बिल्कुल मॉइस्चर में डुबा के रखें, और इस यही कारण है कि इसकी जड़ें नीचे से सड़ती हैं और पूरी टहनियां ऊपर से काली पड़ जाती हैं, आपने ये नोटिस किया होगा। दूसरा, बात करें खाद की, तो सच बताऊं तो मनी प्लांट को ज्यादा खाद की जरूरत भी नहीं होती है, इसके लिए पानी काफी होता है। लेकिन अगर आप जब भी डालें एक महीने में गोबर की खाद डालें, और घर में जो हम लोग चावल धोए का पानी होता है, दाल धोए का पानी होता है, ये सब कॉमन चीजें हैं, ये मैं आपको बहुत अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, वो आप डाल सकते हैं। फ्रेंड मेन चीज जो आपका जाड़ों में मनी प्लांट बिल्कुल सड़ जाता है, गल जाता है, उसकी रुकी हुई ग्रोथ को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए सिर्फ 15 दिनों में आपका मनी प्लांट इतना अच्छा हो जाएगा। आपके पास अगर मल्टी विटामिन और जो कैल्शियम की गोलियां होती हैं वो पड़ी हैं, एक्सपायरी डेट की हो गई हैं, तो उनको पीस लीजिए और इसकी जड़ों में डालिए। तो जड़ें क्या करती हैं, पौधे की जड़ें न्यूट्रिशन सारा ले लेती हैं उससे और वो पत्तों तक पहुंचाती है, तो पत्ते नॉर्मल सी बात है खूब हरे भरे खिले खिले हो जाएंगे, रिजल्ट 100% मिलता है। मैं भी यही अप्लाई करती हूँ, इसलिए आप देख सकते हैं मेरा मनी प्लांट इतना सूखता नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं आपको एक और बता रही हूँ, आपने अक्सर देखा होगा आपके मनी प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो पीले हो जाते हैं, तो पीले पत्तों को हरा भरा कैसे करें वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपने करना क्या है, 1 लीटर स्प्रे बॉटल में 1 चम्मच या तो सरसों का तेल ले लीजिए, या गोले का तेल ले लीजिए, या कोई चमेली का तेल या नारियल का तेल, कोई भी 1 चम्मच तेल डालिए, अच्छे से उसको मिक्स करिए और उसके बाद आप अपने मनी प्लांट में स्प्रे कर दीजिए। आप देखेंगे एक ही हफ्ते में आपके पत्ते चमकदार बन जाएंगे और पीले पत्ते ठीक होने लग जाएंगे, और जो पत्ता बिल्कुल सूख गया है उसे आप तोड़ के अलग निकाल दीजिए और पीले भी नहीं होते हैं इस टेक्निक से पत्ते। तो आप देख सकते हैं मेरा मनी प्लांट कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। और फ्रेंड्स एक चीज का और ध्यान रखना है आपने, धूप का। क्या होता है, धूप तो पौधों का खाना होती है। मनी प्लांट ऐसा प्लांट है जो इंडोर भी बहुत आसानी से चल जाता है ट्यूबलाइट में, बट फिर भी हमने 15 दिन में इसे धूप जरूर दिखानी है,
जो शाम की हल्की धूप है उस समय आप रख दीजिए। जाड़ों में तो धूप वैसे ही कम होती है, तो या तो आप मॉर्निंग में इसको 4-5 घंटा धूप दिखा दीजिए, या फिर शाम की 4-5 घंटे की धूप दे दीजिए, या सेमी शेड में रख लीजिए। बहुत ज्यादा धूप की इसको जरूरत नहीं होती है। अगर आप भी इन्हीं चीजों का सर्दियों में ध्यान रखेंगे तो आपका मनी प्लांट भी काफी अच्छा ग्रो कर सकता है। तो इन चीजों को अपनाइए और अपने घर को सजाइए मनी प्लांट से। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, कुछ आपके काम आई तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये जो बेल आइकन है इसे पक्का दबाइएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली आप तक पहुंच सके। थैंक यू।